हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट लीडर में आपका स्वागत है। चैनल को अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा। हम बात करने वाले दोस्तों अदानी के बारे में। अदानी के बारे में और एक न्यूज आई है और दो स्टॉक के बारे में बात करने वाले। ब्रोकरेज फर्म उसका टारगेट दे रहे दोस्तों 60% प्लस, 60% से भी ऊपर का टारगेट दे रहे दोस्तों। ऐसे दो स्टॉक के बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। और अभी देखिए अदानी, अदानी अभी क्या कर रहे हैं, 21,000 करोड़ वो अभी जुटाने वाले दोस्तों मार्केट से अपना कुछ स्टेक सेल करके। स्टेक सेल इन टू ग्रुप फर्म्स, दो कंपनियों में ये स्टेक सेल करने वाले और लगभग 21,000 करोड़ यहाँ पे ये रेज करने वाले। यहाँ पे आप देख सकते हो लास्ट वीक भी ये न्यूज आई थी, वो तीन कंपनियों में करने वाले थे। आप देख सकते हो थ्री ग्रुप कंपनीज में ये अपना स्टेक बेच के ये फंड रेज करने वाले थे, मगर अभी लेटेस्ट न्यूज है कि अदानी एंटरप्राइजेस एंड अदानी ग्रीन एनर्जी एंड अदानी ट्रांसमिशन, ऐसे इन्होंने तीन कंपनियों का नाम बताया था पहले। तो अभी अदानी ग्रीन एनर्जी को साइड में रख दिया इन्होंने, अदानी एंटरप्राइजेस और अदानी ट्रांसमिशन ये दोनों कंपनियों में ही स्टेक सेल करके ये। और अभी देखिए वॉज कंसिडरिंग सेल फ्रेश इक्विटी इन द अबो कंपनीज, ये फ्रेश इक्विटी निकालने वाले लगभग और $2.5 बिलियन ये रेज करने वाले हैं, $2.5 बिलियन। और अभी देख सकते हो इनके बोर्ड ने भी मंजूरी दे दी है अदानी एंटरप्राइजेस एंड अदानी ट्रांसमिशन में, ये अभी सैटरडे को अप्रूव हो चुका है ये रिजोल्यूशन, और रेज टोटल 21,000 करोड़, $2.5 बिलियन वाया क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। तो QI क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल जो भी है, QI भी बोलते हैं, QIP ऐसे बोलते हैं दोस्तों उनको, तो ये लोग अभी यहाँ पे इन्वेस्ट करने वाले और लगभग 21,000 करोड़ ये उठाने वाले मार्केट से। अभी अदानी एंटरप्राइजेस लगभग 12,500 करोड़ का स्टेक सेल करने वाले और अदानी ट्रांसमिशन में लगभग 8,500 करोड़, तो दोनों को मिला के लगभग 21,000 करोड़ ये फंड रेज करने वाले। और ये कंडक्टेड बाई द इशू शेयर इलिजिबल सिक्योरिटीज टू कंपनीज इन सेपरेट रेगुलेटरी फीलिंग, तो दो कंपनियों में अलग अलग स्टेक सेल करके ये पैसा उठाने वाले दोस्तों, और बहुत बड़ी अमाउंट उठाने वाले। अभी इसका क्या करने वाले ये नहीं बताया, बस ये उठाने वाले मार्केट से, इतनी न्यूज आ चुकी है दोस्तों। और अभी आप देख सकते हो स्टेक सेल की न्यूज से थोड़ा सा ये शेयर्स एक्शन में आ सकते हैं, नीचे आ सकते हैं, नीचे आना चाहिए ऐसे तो, मगर ये ऊपर जाएंगे ऐसा लग रहा है। क्योंकि आप देखिए अभी अदानी के स्टॉक में तो बेहिसाब रैली हो चुकी है। आप देख सकते हैं ये शेयर कहाँ पे थे, 100 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहे थे और लगभग 4,000 को टच करके ये 1,000 रुपीज तक आया था दोस्तों, और 1,000 रुपीज से इसने फिर से 2,000 का लेवल क्लेम कर दिया है, 1,965, और लगभग रिटर्न देखोगे तो 32,300% के रिटर्न अपने इन्वेस्टर को बना के दिए। और अदानी एंटरप्राइजेस एक फ्लैगशिप कंपनी है दोस्तों अदानी की, क्योंकि बहुत सारे बिजनेस अदानी एंटरप्राइजेस में अभी भी इंक्लूड है, वो और भी कंपनियां बना सकते हैं दोस्तों, यहां से डीमर्ज करके और भी कंपनियां बना सकते हैं, इतना बिजनेस इन्होंने अकेले अदानी एंटरप्राइजेस में ऐड कर रखा है। और अभी देखिए मैक्सिमम देखोगे तो यही है इसका मार्केट कैप, देखिए अभी भी 2 लाख करोड़ के ऊपर का मार्केट कैप है, 2,24,000 करोड़ का मार्केट कैप इसका। और ये कंपनी लंबे समय से मार्केट में है दोस्तों, मगर तेजी अभी 2 साल में ही इस कंपनी में इतनी तेजी हो चुकी है कि आप देख सकते हो कहाँ से कहाँ गया है शेयर, और गिरा भी वैसे ही हिंडनबर्ग की वजह से। और अभी आप देखिए इसने हाई बनाया था 4,190 रुपीज का और लो बनाया 1,017 रुपीज का, और वहां से बाउंस बैक करके ये शेयर जबरदस्त अभी तक 2,000 रुपीज तक आ चुका है। आप देख सकते हो 1,965 रुपीज तक आ चुका है ये अभी, तो इस न्यूज के चलते ये शेयर गिरना चाहिए, क्योंकि अभी ये स्टेक सेल करने वाले फ्रेश इश्यू है, मगर ये अभी किस प्राइस पे उनको बेच रहे हो वहीं पे ये शेयर खड़ा रहेगा दोस्तों, इसको गिरा नहीं सकता अभी के लिए, तो कोई गिराने के लिए बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर को सेल करना पड़ेगा, और ऐसे ही ये शेयर गिरते नहीं जल्दी, भागते ही भागते हैं। और नेक्स्ट स्टॉक देखिए अदानी ट्रांसमिशन, इसमें भी लगभग 3% की गिरावट हुई थी, 889, ये शेयर अभी तक भागा नहीं है दोस्तों, जैसे अदानी ये इंटरप्राइजेस भाग चुका है वैसे अदानी ट्रांसमिशन नहीं भागा। आप देख सकते हो इसने भी 4,000 को टच किया था, वहां से जबरदस्त क्रैश हुआ, और क्रैश होने के बाद अभी वहीं पे खेल रही है स्टॉक, फिर से भागा नहीं है, और अभी तक देखोगे तो कंपनी ने 3,100% के रिटर्न अपने इन्वेस्टर को बना के दिया। और इस कंपनी का मार्केट कैप देखिए 98,000 करोड़ का मार्केट कैप है, ये भी लार्ज कैप कंपनी है दोस्तों, देख सकते हो इसने 4,236 का हाई बनाने के बाद ये 631 रुपीज तक आया था, और वहां से फिर से थोड़ा सा बाउंस बैक किए और 889 तक आ चुका है ये स्टॉक। अगर आप इसमें इन्वेस्टेड हो दोस्तों किसी भी अदानी स्टॉक में, तो आप अगर पुरानी बाइंग है आपकी, प्रॉफिटेबल हो तो आप खड़े रह सकते हो, और अगर लॉस में हो तो आपको खड़ा रहना ही पड़ेगा वहां पे लॉस में हो तो, और अगर प्रॉफिटेबल हो तो आधा प्रॉफिट तो आप बुक कर ही सकते हो, आधा प्रॉफिट बुक करके आराम से बैठ जाइए, और जब शेयर और लगेगा रैली कर रहा है, अभी यहां से नीचे आ गया, आपको लग रहा है अच्छी प्राइस पे मिल रहा है, तब आप इसे खरीद सकते हो। अभी खरीदने की कोशिश भी मत करना दोस्तों अदानी के स्टॉक, क्योंकि अदानी के स्टॉक में क्या चल रहा है अभी किसी को नहीं पता है, बड़े बड़े इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट करके बैठ चुके दोस्तों, मगर उनको रिस्क लेने की कैपेबिलिटी भी उनकी ज्यादा है, क्योंकि अभी अदानी के शेयर नीचे आएंगे ऊपर जाएंगे, जब तक ये हिंडनबर्ग का मामला, उनके ऊपर लगे हुए एलिगेशन सब कुछ ठीक ठाक नहीं हो जाता है, तब तक इनकी रैली को अभी कुछ समझना नहीं है हमें, आप इसे दूर ही रहिए। बहुत सारे स्टॉक है मार्केट में, उन स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए, इसीलिए मैं आपके लिए दो स्टॉक लाया हूं दोस्तों, जो 60% अपसाइड दिखा रहे, ब्रोकरेज फर्म ने उस पर टारगेट भी दिया है।
और देखिए फर्स्ट कंपनी कौन सी है, इंडोस्टार कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड। ये एक एनबीएफसी कंपनी है दोस्तों, और इसमें पोटेंशियल अपसाइड देखिए लगभग 64.65% का पोटेंशियल दिखा रहा है, और करंट प्राइस अभी 143 के रुपीज पे चल रहा है दोस्तों, 143 144 पे ये अभी आप खरीद सकते हो, 144.55। और अभी टारगेट देखिए 238 का टारगेट दे रहे हैं, और टारगेट कौन सा फर्म दे रहा है देखिए, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज, जानी मानी ब्रोकरेज फर्म है दोस्तों, आप सभी को पता ही है। और इंडोस्टार कैपिटल में ये बाइंग की राय दे रहे हैं, और लगभग 64% पोटेंशियल अपसाइड दिखा रहे हैं। अब देखिए इंडोस्टार कैपिटल फाइनेंस 143 पे चल रहा है दोस्तों ये स्टॉक, और अब भाई देखिए ये 2018 में मार्केट में आया 588 रुपीज पे, और वहां से जबरदस्त क्रैश ही हो रहा है ये स्टॉक, कहीं पे सपोर्ट नहीं ले रहा है, और अभी यहाँ पे 140 के आसपास इसने सपोर्ट लेके थोड़ा सा ऊपर आया है, 100 रुपीज तक आया था दोस्तों ये स्टॉक, 100 रुपीज पे आके ये ऊपर निकल गया है। और इस कंपनी का मार्केट कैप देखिए 2000 करोड़ का मार्केट कैप है, स्मॉल कैप कंपनी है दोस्तों। इसमें मैं कुछ आपको इंटरेस्टिंग चीजें दिखाऊंगा दोस्तों, क्यों खरीदना है ये देखिए, अभी 75% करेक्शन में मिल रहा है, इस करेक्शन का फायदा उठाना चाहिए या नहीं, और ये 64% पोटेंशियल अपसाइड जाएगा या नहीं, आप खुद यहाँ पे चेक कर सकते हो। आप देख सकते हो इसने 100 का लो बनाया, लो बनाने के बाद बाउंस बैक किया इसने, और देखिए 52 वीक हाई था 197, और 52 वीक लो है 103, यही आप स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हो दोस्तों, 103 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा के आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए। और रेवेन्यू देखिए अभी ये बहुत 2018 से जब से मार्केट में आई कंपनी तब से डेटा है, 2018 से 2020 तक आप देख सकते हो कंपनी कंटिन्यूअसली अच्छा परफॉर्मेंस कर रही थी, और कोविड के बाद यहाँ पे कंटिन्यूअसली इनका रेवेन्यू डाउन होते जा रहा है दोस्तों, आप देख सकते हो रेवेन्यू में गिरावट है इनके, और प्रॉफिट देखिए कंपनी तो लॉस में चल रही है यहाँ पे, आप देख सकते हो 22 में कंपनी ने लगभग 736 करोड़ का लॉस बुक किया यहाँ पे, मगर अभी अगर क्वार्टरली आप आओगे तो सेल देखिए थोड़ा सा डाउन है सेल इनका, मगर आप इनकम तो देख लिया आपने, इनकम में इनकी गिरावट है 300 करोड़, 294 करोड़, 281 करोड़, तो क्वार्टर बाय क्वार्टर इनका रेवेन्यू डाउन होते जा रहा है, मगर प्रॉफिट देखिए प्रॉफिट में आ चुकी है कंपनी, अभी लॉस से ये कंपनी प्रॉफिट में आई है 60 करोड़, 51 करोड़, और अभी 36 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट किया है, तो कंपनी ओवरऑल देखोगे तो प्रॉफिट में आ चुकी है, लॉस में नहीं है अभी कंपनी, मगर थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट जनरेट कर रही है, अभी भी इनको फुल फ्लेज में जाने के लिए टाइम है। और एक इंटरेस्टिंग बात दिखाता हूँ, प्रमोटर देखिए दोस्तों 89.21%, अगर कंपनी खराब रहती 75% क्रैश हो चुका है शेयर ये, तब तक ये प्रमोटर भाग जाते दोस्तों, अगर कंपनी खराब रहती तो, कंपनी अच्छी है दोस्तों इसी वजह से प्रमोटर खड़े हैं अभी भी 89.21% पे, अभी भी खड़े हैं प्रमोटर, 1.16% FIIs है, DIIs भी इन्वेस्टेड है इसमें, और पब्लिक देखिए लगभग 8% पब्लिक है इसमें, तो अच्छी खासी शेयर होल्डिंग पैटर्न है दोस्तों इस कंपनी की, प्रमोटर को अपनी कंपनी पर भरोसा है, तो जो मोतीलाल ओसवाल टारगेट दे रहे हो वो अचीव कर सकता है दोस्तों स्टॉक, तो इस स्टॉक में एंट्री ले सकते हो आप, शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री लेके छोटा सा प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हो इसमें से। नेक्स्ट कंपनी देखिए दोस्तों बिरला कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जानी मानी कंपनी आप सभी को पता है, और ये 1000 रुपीज के नीचे चल रहा है दोस्तों, और इसका टारगेट दिया है ब्रोकरेज फर्म देखिए सेंट्रम ब्रोकिंग, इन्होंने इसका टारगेट दिया है लगभग 62.686% का पोटेंशियल अपसाइड दिखा है, 60% के भी ऊपर का पोटेंशियल अपसाइड दिखा है दोस्तों, और 1000 रुपीज के आसपास चल रहा है, 1000 के भी नीचे ही मिल रहा है 998, और टारगेट देखिए 1626 रुपीज का टारगेट दे रहे हैं दोस्तों, ऐसे एक दो दिन में नहीं आएगा दोस्तों, आपको 6 महीना 1 साल इंतजार करना पड़ेगा तब जाके ये टारगेट आएंगे दोस्तों, अदरवाइज आप कल जाके खरीद लोगे 8 दिन बाद फिर से कमेंट करोगे टारगेट नहीं आया, तो ऐसे नहीं चलेगा दोस्तों, आपको इसमें 6 महीना 1 साल इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा तब जाके आपको ये रिटर्न मिल सकते हैं, तो आपकी ये है दोस्तों, अभी आपका कॉल है आपको खरीदना है नहीं खरीदना है, मैं बस आपको बता रहा हूँ, अदानी में इन्वेस्ट करने की बजाय आप ऐसे स्टॉक ढूंढिए मार्केट में जिसमें पोटेंशियल अपसाइड है, और बहुत सारे स्टॉक है दोस्तों अभी भी करेक्शन में मिल रहे हैं, मार्केट बहुत ऊपर गया है कोई ये नहीं है उसमें, मगर ऐसे बहुत सारी कंपनियां जो अभी भी करेक्शन में मिल रही है आपको, और अभी देखिए बिरला कॉर्पोरेशन लिमिटेड 998 पे चल रहा है अभी ये स्टॉक, और अभी देखिए इसमें बहुत बार गिरावट हो चुकी है, और अभी फिर से गिरावट हुई है आप देख सकते हो, तो यहाँ से ये शेयर ऊपर निकल सकता है, लगभग 2000 का ये लेवल अचीव कर सकता है आगे चल के, तो इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो दोस्तों, अगले 1 से 2 साल के लिए आप इसमें इन्वेस्ट करके चल सकते हो, यहाँ पे इन्होंने तो 1600 का टारगेट दे रहे हैं, आप 2000 का टारगेट लेके चलिए यहाँ तक जरूर आएगा शेयर, बस आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, और मार्केट कैप देखोगे तो 7600 करोड़ का मार्केट कैप है, और डिविडेंड यील्ड देखिए 1% का डिविडेंड यील्ड है दोस्तों, मल्टीबैगर कंपनी है आप देख सकते हो, बहुत बार गिरावट हुई है यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे बहुत बार गिरावट हो चुकी है कंपनी में, तो फिर से आपको ये करेक्शन में मिल रहा है, यहाँ से भी ये कंपनी ऊपर जरूर जाएगी, और इसने लो किसका बनाया था 823 का लो बनाया, और 1143 का हाई बनाया, लगभग 1452 तक गया था ये स्टॉक आप देख सकते हो, उसके भी ऊपर गया था, तो ये अपने लेवल अचीव करके आगे जरूर जाएगा दोस्तों, अगर इस कंपनी में आप इन्वेस्टेड हो तो अच्छी बात है, और नहीं हो तो और भी अच्छी बात है, आप यहाँ पे अभी खरीद सकते हो, इस करेक्शन का फायदा उठाइए, इसमें इन्वेस्ट कीजिए और बने रहिए, 1 से 1.5 साल तक आपको अच्छे रिटर्न जरूर मिलेंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।